सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सादगी से बढ़कर कोई सिंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। मित्रता आनंद को दुगना और दुख को आधा कर देती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछे नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। आज का पंचांग 13 मई 2024 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि, रात्रि 2:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 11:23 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:28 से 9:06 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 13 मई 2024 दिन सोमवार, बदलाव जरूरी है इसीलिए इसे स्वीकार करें। अभी आराम करें और मार्गदर्शन के लिए सपनों की तलाश जरूर करें। हाल ही में हुई कोई हानि, चाहे वो आर्थिक हो या किसी खास व्यक्ति की, आपको परेशान कर सकती है। अकेलेपन का यह दौर अस्थायी है जो नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। आज के दिन खुद को स्वतंत्र करने और रुकावटों से बाहर निकलने का है। लोगों के साथ मिलना आज का मंत्र है और उनके साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है। तो अवसरों को दोनों हाथों से बटोरी। किसी को हरा देना बेहद आसान है, किंतु किसी को जिताना बहुत ही मुश्किल है। आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगे। इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उसमें सौहार्द बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकते हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वो काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। रियल इस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छे दिन है। दोस्तों के साथ कुछ वक्त अपने हितों को अनदेखा ना करें। हो सकता है कि वे आपकी जरूरतों को ज्यादा गंभीरता से ना लें। आज किसी ऐसे इंसान से मिलने की संभावना है जो आपके दिल को गहराई से छुएगा। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आपको खुश करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिशें कर सकता है। आज के दिन चंद दिनों जैसा है जब घड़ी की सुइयां बहुत धीरे धीरे हिलती है और आप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, लेकिन इसके बाद खुद को तरोताजा भी महसूस करेंगे और इसकी आपको काफी जरूरत भी है। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे, आज उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। जल्दी ही आपको अपनी मेहनत के अनुरूप शुद्ध परिणाम हासिल होने वाले हैं। भाग्य आपके साथ में है। विद्यार्थी की भी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्या दूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आपको अपने प्रयत्नों के द्वारा ही प्राप्त होने वाला है, इसीलिए चिंतित न होकर केवल काम करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से निर्माण होने वाला उतार चढ़ाव दिन की शुरुआत में तकलीफ का कारण हो सकता है, लेकिन आप बाद में पूरा दिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखकर काम संबंधित एकाग्रता बरकरार रखने में सफल साबित होंगे। वक्त पर काम पूरा ना होने से लोगों की नाराजगी का सामना होगा। रिलेशनशिप ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ का संवाद भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। सुगर संबंधित तकलीफ निर्माण होने की भी संभावना है। प्रातःकाल कार्य की अधिकता रहेगी। संयम से कार्य करने से लाभ होगा। जल्दबाजी ना करें। कारोबार के लिए नए संपर्क बनेंगे। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा। विवादित मामलों में पक्ष मजबूत रहेगा। शाम का समय अनुकूल रह सकता है।
सावधानियाँ। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से वार्तालाप अथवा कोई डील करते समय निगरानी अवश्य रखें, क्योंकि चोरी होने या किसी तरह के नुकसान होने की संभावना लग रही है। किसी नजदीकी रिश्तेदार से कहा सुनी होने से मन में चिंता बनी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपके हर ड्रीम के पूरा होने का समय आ चुका है, जहां आपको खूबसूरत पल और यौन सुख प्राप्त होगा। यह वक्त गंभीर होकर अपने रोमांटिक जीवन के बारे में सोचने और उस पर अमल करने का है। हाल ही में हुआ घाटा आपको सोच समझकर धन व्यय करने की सीख दे रहा है। आज समय है शर्म छोड़कर दुनिया को अपने बारे में बताने का। किसी से प्यार है और आपको लगता है कि यही आपका जीवन साथी है, तो बस आगे बढ़ें और इजहार कर दें। आज आपके सितारे उच्च है, इसीलिए आज जो चाहेंगे वो आपको पक्का मिलेगा। आपने एक ऐसे साथी को पाया है जो पूरी उम्र आपका साथ देगा। फ्लर्ट करने में आपको महारत हासिल है और ये आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ करते हैं। इसके शारीरिक स्तर तक ही सीमित रखें, भावनात्मक रूप से किसी के साथ ना जुड़ें। आपको भी कोई अधिक गंभीरता से नहीं लेगा और आप भी किसी को जरूरत से ज्यादा डिमांड करने की छूट ना दें तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं करियर की। आज आप एक साथ कई परियोजनाओं के बोझ तले दबा हुआ सा महसूस कर सकते हैं। आप अपने कार्य को कुछ देर से शुरू कर पाएंगे, क्योंकि काम के बोझ से आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आप एक के बाद एक काम के कारण अपने आप को एक दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और यदि संभव हो तो एक ब्रेक लें या संक्षिप्त समय अपने लिए जरूर निकालें। आपकी वित्तीय स्थिति काफी मजबूत है और आपको अपने पैसे के निवेश पर ब्याज भी प्राप्त होगा। आज आप में से कुछ लोगों के लिए दान या नॉन प्रॉफिट कार्य प्राथमिकता रहेंगी। विदेशी लोगों से मिलना जुलना और व्यापार आपको अपना करियर बनाने में मदद करेंगे। धोखाधड़ी से बचने के लिए खरीद या बिक्री के समय सतर्क रहें। आज आपको धन की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और पहचान की चाह है। आज अपने आप को आजाद करें और अपने आप को मार्ग में आने वाले अवरोधों से दूर रखें। लोगों के साथ मिलने जुलने की भी जरूरत हो सकती है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि हर व्यक्ति से व्यवहार का तरीका भी अलग होता है। दूसरों के अनुभवों को सुनें, क्योंकि यह आपको जीवन जीने का नया तरीका प्रदान करेंगे। बिजनेस संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। मार्केट संबंधित कार्यों में तथा संपर्कों को और अधिक मजबूत करने में अपना समय लगाएं। बाहरी लोगों से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। साथ ही अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति इनका फायदा उठा सकता है। बात करती है सेहत की। आज आपके मन में आएगा कि मैं अपना खाना पूरी तरह से बदल दूं, यहाँ तक कि आप पूरी तरह शाकाहारी होने का निर्णय भी ले सकती हैं। या आप ताजा फलों तथा सब्जियों और मछलियों से बनी सामान्य घर के बनी खाने को पसंद करना शुरू कर सकती हैं। मसालेदार ना खाएं। आज का उपाय, शिव भगवान जी की पूजा करें, आज शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।